हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पीएम की आईपीवी का जो फायदा, आप जानते होंगे कि पीएम किसान का पैसा आता है उसमें हर साल 6000 रुपया आता है, इंस्टॉलमेंट वाइज 3 इंस्टॉलमेंट में आता है, 2000 2000 2000। उसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप में यूजेज हो जाता है, फिर नाबार्ड मनरेगा बहुत तरह का स्कीम में उसका पैसा आता है, गैस का सब्सिडी आता है। इसके अलावा एक और फायदा होता है जब आप पीएम किसान आईपीवी का अकाउंट खोलते हैं। बार बार पीएम किसान बोल रहे हैं, सॉरी फॉर डेट। वो एक ही चीज होता है, पीएम किसान आईपीवी। आईपीवी का जो अकाउंट होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, वो 200 रुपया से खुलता है, 100 से भी खुल सकता है, बट 200 रुपया से खुलते हैं। हम लोग प्रीमियम अकाउंट डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आदमी को थोड़ा असुविधा नहीं हो, क्योंकि बार बार डोर स्टेप चार्ज काटता है तो पब्लिक कंप्लेन करती है। दैट्स वाई डिपार्टमेंट डायरेक्ट प्रीमियम अकाउंट में बोलते हैं अकाउंट खोलने के लिए। बहुत लोग कन्फ्यूजन था और कमेंट भी कर रहा था कि 100 से भी अकाउंट खोल सकते हैं तो 200 रुपया देने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये जरूरत है, यही एक लॉजिक था। तो आईपीवी का जो अकाउंट खोलते हैं, ये सब सुविधा के अलावा आप जो है पीपीएफ का एक पैसा जमा कर सकते हैं उसमें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसएसए का एक पैसा जमा कर सकते हैं जिसको सुकन्या समृद्धि अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद रेकरिंग डिपॉजिट का पैसा जमा कर सकते हैं, सेविंग का पैसा स्वाइप इन स्वाइप आउट कर सकते हैं, सो मेनी एडवांटेज। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक कस्टमर आए हैं जिनका ऑलरेडी सुकन्या अकाउंट है और ये इधर नहीं रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, यानी मध्य प्रदेश में रहते हैं, बहुत ही डिस्टेंस पे रहते हैं। तो इनको सुकन्या में पैसा लेन देन करने में प्रॉब्लम होता है और इनके पास जो बजट है वो जमा नहीं कर पाते हैं टाइमली। ठीक है, तो इसीलिए इनको अभी एक आईपीवी का अकाउंट खोलना है, तो अभी इनका आईपीवी अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, उसके लिए कार्ड चाहिए, तो मेरे पास कार्ड ऑलरेडी है और इनका मोबाइल नंबर चाहिए। जब ये सुविधा चाहिए तो आपके पास स्मार्टफोन रहना चाहिए, स्मार्टफोन इनके पास है, इनके पास आधार कार्ड है, ये कार्ड देंगे बना करके, और सुकन्या अकाउंट इनके पास ही है, इनको कैसे करना है वो भी बता देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल अकाउंट खोल लेते हैं आईपीवी का। आपको क्या असुविधा हो रहा था बताइए, क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कहाँ पे रहते हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश खंडवा में रहता हूँ। खंडवा में जो मेरा अकाउंट में सुकन्या योजना में मेरा पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत होता है, इसीलिए मेरे को ये अकाउंट खोलना पड़ा। तो कब खोले थे सुकन्या अकाउंट? सुकन्या खोले थे 2015 में खोले होंगे, 16 में 2015 में खोले थे, 15 में खोले थे, 2015-10। रेगुलरली आप डिपॉजिट करते हैं सुकन्या में, पता है 1000 मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ता है एक फाइनेंशियल ईयर में, मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, ये सब चीज तो पता है ना। 15 इयर्स तक लगातार जमा करेंगे, फिर 6 ईयर तक होल्ड हो जाता है वही पैसा, आफ्टर 21 ईयर आप पैसा निकाल सकते हैं। तो जब बच्चा अकाउंट खुला, कितना साल की थी लड़की? 6 साल की थी। तो 27 साल में मैच्योर होगा, 27-28 साल मैच्योरिटी में लग जाएगा। तब इनका प्रॉब्लम यही है, डिस्टेंस के वजह से पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी इनका जाएंगे अकाउंट खोलेंगे, उसके लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा आईपीपीवी सेक्शन में, माइक्रो एटीएम में। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो एटीएम खोलेंगे अभी जस्ट नाउ, ये माइक्रो एटीएम खोले हैं, ऑलरेडी खुला है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, टैक्स ये सब नहीं देखना है, रेगुलर पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स SBRP हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी आप लोग को बहुत ट्रेनिंग दे चुके हैं तो ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाएगा आपको। मोबाइल नंबर दीजिए, 9434-9434-99। ओके, कंटिन्यू करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, OTP जाएगा। सबमिट करेंगे, आधार नंबर मांग रहा है, 2858947 47। आधार नंबर दे दिए हैं, ठीक है, इस तरह से सबमिट करेंगे एंड फिंगर। किसी भी आदमी के नाम से अगर सुकन्या अकाउंट खुला है तो कोई ये आईपीवी का अकाउंट खुला है तो वो जमा कर सकता। ठीक है, जरूरी नहीं कि गार्जियन के ही नाम से हो, किसी के एक आदमी के नाम से खोलने से हो जाएगा। नहीं नहीं हुए। ठीक है, एक बार फिर से yes।
तो आधार कार्ड इनका ठीक से मैच नहीं कर रहा फिंगरप्रिंट, दैट्स व्हाई इनके नाम से करेंगे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ किसी भी एक आदमी के नाम से खोल सकता है, ठीक है। अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। बोलिए, माँ का नाम? तुम्हारे माँ नाम सरस्वती। प्रामाणिक। हस्बैंड नेम? प्रलय कुमार मन्ना। कविता मन्ना। अमर मामा मान नाम ना सरस्वती। प्रामाणिक सरस्वती मन्ना नहीं, अमर मान नाम निकी सरस्वती प्रामाणिक। हादम नाम में इसे गलो फादर नाम ये से गलो नहीं, गार्जियन है ना, नोट फादर, दिस इज केयर ऑफ। प्रलय कुमार मन्ना लिखिए, वो सब आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑटोमेटिकली ले लिया डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर। क्या है, आप क्या काम करते हैं? नौकरी करता हूँ, एक कुछ भी करता हूँ, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, चलिए, सेल्फ एम्प्लॉयड। पति का पैसा लेती है इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड। पढ़ाई लिखा है आपका? ग्रेजुएट। कितना टका जमा करेंगे? क्या चीज, क्या हुआ है अभी? हाँ ठीक है, तो 500 रुपया जमा कर देते हैं। 500? ठीक है, 500 कर देते हैं। एग्री टू रिसीव डीबीटी, इससे इनको ये फायदा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का एडवांटेज इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे। बंगिया ग्रामीण में लिंक था आपका। कोई सरकारी बेनिफिट मिलता आपको? नहीं मिलता होगा, कैसे मिलेगा? तो वेलकम किट अभी स्कैन करेंगे, स्कैन हेयर, इसको स्कैन किए, सेव करेंगे, सारा डिटेल्स ओके है, कंटिन्यू करेंगे, कंसेंट टू यूज ई साइन फिंगरप्रिंट टैप। तो फाइनली अकाउंट खुल। आफ्टर अकाउंट ओपनिंग आपको क्या करना है, अकाउंट खोलने के बाद, आफ्टर अकाउंट ओपनिंग आपको क्या करना है, ये प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, इतना क्यों आ रहा है, इंडिया पोस्ट, ठीक है, इंडिया पोस्ट डालिए, सॉरी इधर इंडिया पोस्ट डालेंगे। इंडिया पोस्ट में यहाँ पे देखिए आईपीवी मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है, इसको खोलना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे पास लॉगिन है, यहाँ पे हम ओपन करते हैं, और खोलने के बाद यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, अकाउंट नंबर खोल के दिए हैं, ये अकाउंट नंबर खोल के दिए हैं ये वाला, तो इसको यहाँ पे लॉगिन करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद वहाँ पे जा करके पेमेंट कर सकते, ठीक है। तो उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे किस तरह से पेमेंट करना है। पहले आपके पास स्मार्टफोन रहना चाहिए, और प्ले स्टोर में जाकर के आईपीवी मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी वो देंगे, और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो दीजिएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर दीजिएगा, एक ओटीपी आएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहता है वो सॉल्व करना रहेगा, जैसे आपका वेर इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप जहाँ पे रहते हैं वो आप दे दीजिएगा, उसके बाद हु इज योर फेवरेट फ्रेंड, वो कोई भी नाम दे सकते हैं, हु इज योर फेवरेट फ्रेंड, फेवरेट टीचर, ये सब जो भी आपको आपका फेवरेट है वो दे दीजिएगा, उसके बाद लॉगिन ओके कीजिएगा, एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई कीजिएगा, फिर एक माइक्रो एटीएम नंबर उसमें सेट करना रहता है, माइक्रो पिन, ठीक है, माइक्रो पिन नंबर सेट करना रहता है, 4 डिजिट्स का सेट कीजिएगा, जब भी लॉगिन करना है उसको लॉगिन कीजिएगा, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस सर्विस में जाइएगा, पोस्ट ऑफिस सर्विस में जाने के बाद वहाँ पे सुकन्या अकाउंट रहेगा, या रेकरिंग, या आरपीएलआई, या पीएलआई, जो भी जिस तरह का सर्विस का पैसा आप उसमें जमा करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक एम पिन कोई दे देंगे, ठीक है, कोई भी एम पिन दे देंगे जो आपको याद रहता है। 1980 आपका डेट ऑफ बर्थ है, सेट एम पिन करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, प्लेस ऑफ बर्थ वासुदेवपुर कर देते, ठीक है, BHPI कर देते। फेवरेट फ्रेंड का नाम आपका, आपका क्या नाम है? हाँ फेवरेट फ्रेंड है तो फेवरेट टीचर का नाम बताइए। ठीक है समरेश दे दिया। अरे वो सब लिखना नहीं है, वो अरे वो लिखना पड़ता है, कभी रिकवरी करना पड़ता है अकाउंट, तो लिखना पड़ता है। आप मुझसे पूछ लीजिएगा। समरेश दास है और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एम पिन देंगे, ये लॉगिन करना है 1980 दे करके। आपका डेट ऑफ बर्थ है ना? मेरा वो आपका है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा लॉगिन होगा, टाइम लगता है लॉगिन होने में। प्लीज इनेबल लोकेशन, बोल रहा है ऑन करने, बहुत सिक्योर चीज। अब खुल जाएगा, कल के पता चला वही भूल गए घर में तब। देखिए इस तरह से खुल गया और आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है पोस्ट ऑफिस सर्विस में, ये देखिए मिडिल में है, पोस्ट ऑफिस सर्विस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रेकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसका मान लेते पेमेंट करना है तो अकाउंट नंबर देंगे, कस्टमर आईडी देंगे, हो जाएगा। जैसे आपको PLI जमा करना है तो यहाँ पे देखिए पॉलिसी नंबर देंगे, पे प्रीमियम पे जाएंगे, टर्म एंड कंडीशन यस करेंगे और यहाँ पे पॉलिसी नंबर आप देंगे, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्लो खुल रहा है। यहाँ पे पॉलिसी नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे और जमा हो जाएगा, ठीक है।